Non è Viva! super viva! आकाही टाटा टाटा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक हो। मैं रंभा और आप लोग देख रहे हो रंभा सीरियल ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो ये है कि बाबू की हेयर कटिंग करेंगे हम। गाँव में ही एक लेडीज मतलब पार्लर की काम जानते हैं, वो दीदी ही बाबू की बाल की कटिंग करेगी। तो उदय सिंह, आप लोगों को पता है उदय सिंह जी, जो उदय सिंह वायरल बॉय है, तो उदय सिंह भैया की तरह हमारे बाबू की हेयर स्टाइल कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो पर बने रहे। तो दोस्तों, चलो अभी जिसके घर हम हेयर कटिंग करेंगे बाबू की, तो उसके घर में चलते हैं। तो यहीं पर थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो बाबू बाबू को पहले दिखा देती हूँ। तो दोस्तों, ये देखो हमारे बाबू की बाल किस तरह हो गया है, बहुत ही लंबा हो गया है। और दोस्तों, इतना गर्मी सहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और ये तो बच्चा है, बाल छोटे छोटे करेंगे तो बहुत ही रिलैक्स मिलेगी इसको। तो दोस्तों, अभी चलो इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हो कितना धूप है। तो बाबू को साथी दे दिया और साथ में है एक पहना। तो हम एक साथ जाएंगे और इसी रास्ते से एकदम ऊंचा वाला जो रास्ता देख रही है वहीं पर है उसके घर। और तुम्हें ठंडा करना है लेकिन। तो गाइस, यहीं पर छठ पूजा भी होते हैं। चलो आप लोगों को दिखा देते हैं कहाँ पर होते हैं। देखो गाइस, ये जो सामने गाइस, ये देखो सामने तीन चीजें दिखाई दे रही है। यहीं पर छठ पूजा करते हैं। और ये जो पीपल की पेड़ है, तो यहीं पर है भोले बाबा की मंदिर। छोटे हैं तो यहीं पर पूजा भी करते हैं। और छठ पूजा कहाँ पर करते हैं आप लोगों को दिखा देते हैं एक बार। ये देखो गाइस, ये रेड कलर की जो चीज़ें दिखाई दे रही है, और ये है यहीं पर होते हैं छठ पूजा। और ये न्यू हुआ है, जब पूरा होंगे देखने में बहुत ही अच्छा लगेंगे। इस बार ये हुआ है, जब ये नहीं थे तो लोगों की बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। तो इस बार लोगों को छठ पूजा करने में बहुत ही आसानी हो नहीं, जाएगी नहीं। और गैस, ये एक ब्रिज है। और ये जो सामने घर दिखाई दे रही है, यहीं पर ही हमें बाबू की चूल कटिंग करना है। बाबू चलो मम्मी। हाँ तू साथी दे, है साथी दे। हाँ चलो। तो गाइस, आज हमारे बाबू की बाल कटिंग करेंगे, वो भी उदय भाई की तरह। संडे को भाई की शो देखी थी मैं, उदय सिंह भाई की, जो उदय सिंह वायरल बॉय है। तो शो देखने के बाद जो उदय भाई हेयर स्टाइल मतलब हेयर कटिंग किया, तो उसी तरह हमारे बाबू की भी बाल कटिंग करना है। बात यह है कि जिस दीदी के घर हमें चूल कटिंग करना था बाबू की, तो वो दीदी घर में नहीं है, कहीं गए हैं। तो अभी हमें दूसरे के घर में जाना पड़ेगा। और गैस, बाबू बार बार बोल रही है कि मम्मी तुम मुझे चूल कटिंग करवा दो, दूसरों के पास चूल कटिंग नहीं करना है। ये देखो बहुत ही जिद कर रही है, देखते हैं काटते हैं या नहीं। तो दोस्तों, ये देखो हम दूसरी दीदी के घर में आ गए हैं। और ये दीदी ब्यूटी पार्लर की भी काम जानते हैं। और अभी मैं आप लोग को एक बहुत ही क्यूट लवली पार्ट दिखा दे रही हूँ। और ये देखो कितना सुंदर है, पैरोट की तरह, लेकिन छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहे हैं। मैं तो बर्ड लवर, डॉग लवर, रैबिट लवर। बहुत ही सुंदर बर्ड है, पता नहीं ये नाम क्या है, अगर आप लोगों को पता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखो गाइस, देखने में इतना क्यूट है, क्या बताऊँ आप लोगों को। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगते है ऐसे बर्ड, डॉग, रैबिट, बहुत ही पसंद है मुझे, देखकर ही दिल एकदम भर जाते है। जिसके घर में हम आया वो दीदी की ही घर में है ये बर्ड, बहुत ही प्यारा बर्ड है। फाइनली हमें मिल गया वो दीदी, तो अभी कटिंग करेगी। तो चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं। और बाबू बाल पर है, देखो चूल कटने की चीज़ें है, हथियार। तो दोस्तों, ये देखो हमारे बाबू की बाल कटिंग हो गया है। बाल काटते वक्त तो चुपचाप नहीं बैठता है, इसलिए बाल ऐसा हो गया है। और मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया दोस्तों, क्योंकि बाबू को कार्टून दिखा दिखा कर बाल कटिंग करना पड़ा, नहीं तो काटने नहीं देते।
तो दोस्तों अभी चलो फिर से बाट के पास चलते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बार बार देखने की मन कर रहा है। गुस्सा हो जाएगी तो हाथ में काट देगी। अच्छा देखिए, जब काटते हैं, जब काटते हैं दुखता है, वो जोर से काटते, जोर से काटते हैं, दुखते हैं। हाँ, जी इसको नहाया, बहुत गुस्सा होते हैं ना, चीटर आ रहा है इसलिए बहुत गुस्सा होते हैं ना, पानी से डरती है तू। अच्छा पानी से डरते हैं। तो दोस्तों इस बर्ड की घर के लोगों ने नाम दिया है अकाही। अगर कोई भी इसको बुलाओ तो वो पास नहीं जाएगी, लेकिन इसकी जिसको इसको पाला है, जिसने इसको पाला है, अगर वो बुलाए तो पास इतने अच्छे से जाते हैं और बहुत ही सुंदर से किस करते हैं। देखो आप लोग, ये देखो पास आ गया है और किस कितने अच्छे से किस कर रही है, देखो आप लोग। और गैस ये देखो बाट बहुत ही छोटी है लेकिन इसकी गुस्सा बहुत ही तेज़ है। अगर आसपास के लोग इसको बुलाते हैं पास तो नहीं जाएगी, लेकिन अगर छूने की भी कोशिश करते हैं ना, हाथ में थक थक करके काटते हैं, तो बहुत ही तेज़ गुस्सा है गैस इसकी। देखो आप लोग देख सकते हो, पैरोट की तरह ये इसकी मुँह है। कही टाटा टाटा। तो गाइस अभी चलो घर पे। अब अभी कैसा लग रहा है, हाँ बाल कटिंग करने के बाद कैसा लग रही है? तो गाइस अभी घर जाने से पहले ये देखो लेचू की पैर आप लोगों को अच्छे से दिखा दूँ, ये देखो। तो चलो अब दादा को बोलकर कुछ लेचू लेकर आती हूँ। ये है लीची वाला दादा की घर और घर के अंदर ही है लीची की पैर, तो कुछ दिनों से बेच रही है, फिर भी जाकर देखते हैं है या नहीं। तो गए चलो, ये देखो घर के अंदर आ गया। गए थे खरीदने के लिए लेचू और हमें फ्री में खाने के लिए दे दिया, और उनकी लेचू की टेस्ट बहुत ही मीठा है, तीखा मतलब खट्टा नहीं है गाइस, मीठा है, इसलिए लेकर आ गया। कुछ दिन पहले हम बाज़ार से लेचू लेकर आए थे, इतना खट्टा था खा नहीं सकते थे, तो बाबू के लिए ये लेचू सही रहेगा, मीठा है। तो दोस्तों पहले हम लीची मिल बांट कर खा लेते हैं, उसके बाद बाबू को हम नहाएंगे, क्योंकि बाल कटिंग करने के बाद नहाना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों ये देखो बाबू बाल कटिंग करने के बाद नहा लिया और अभी जाएगी तनु के घर में खेलने के लिए जा रही है। तो गाइस आज की ब्लॉग यहीं पर ख़त्म कर लेते हैं, बाबू अभी जाएगी तनु के घर में खेलने के लिए, थोड़ा टाइम वहीं पर खेलेंगे। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा टाटा।